कि जैसे तैसे हमने उसे प्रेम में लपेटा है। ओहो, आइए चार पंक्तियां और आपके सामने रखता हूं मैं कि बाबा जी के पास में आया। हाँ, कहीं कबीरा लिए मजीरा। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आपकी हंसी की, मुस्कुराहट की और खुशियों की राह का एक ऐसा हम सफर जो हमेशा यही कहता कि हंसते रहिए मेरे साथ और खुश रहिए और कहते रहिए सेलो प्रेजेंट्स वाह भाई वाह। जिंदगी में हर आदमी को हर चीज नहीं पचती, जैसे कविता लिखना आसान नहीं है, और मैंने एक लड़कों का कोशिश करो, उसने कोशिश की, दूसरे दिन लंगड़ाते हुए आया। मैंने कहा क्या हुआ? तुड़वा ली। मैंने कहा तुड़वा कैसे ली? तोड़ दी। किसने? लड़के। मैंने कहा क्यों? कविता की वजह से। अरे मैंने कहा भाई तू क्या किया तुमने? आपने कहा था मोहब्बत में कविता करनी चाहिए, मैंने कविता की। तो मैंने कहा हुआ क्या, टांग क्यों तोड़ दी तेरी? बोले पतली दुबली थी एकदम, तो मैंने चार लाइनें सुना दी। भाई एक तो तेरी हड्डी पे मांस नहीं, एक तो तेरी हड्डी पे मांस नहीं, दूसरी तेरी शक्ल भी खास नहीं, और तुझे क्या प्रपोज करूं मैं वैलेंटाइन डे तक तेरे जीने की आस नहीं। मैंने कहा तुझे जिंदा छोड़ दिया वो बहुत नहीं है क्या? सिर्फ टांग ही तोड़ी तूने? अपनी टांग नहीं तोड़वाई है, कविता की टांग भी तोड़ी है। लेकिन लोग करते हैं, मानते नहीं है, कुछ लोग पचते नहीं है हर चीज, गानों की टांग तोड़ देते हैं। हिंदुस्तान के एक बड़े मशहूर गायक है, इतने मशहूर गायक कि उनके गाए गाने इतने सुपर हिट हैं कि आप पूछिए मत, लोगों की जुबान पे। उनका इतना खूबसूरत गाना है कि तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। इतना खूबसूरत बंद है उसका कि ये आसमान ये बादल ये रास्ते ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से, कई दिनों से शिकायत नहीं है जमाने से, ये जिंदगी है सफर तू सफर की मंजिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। लेकिन अचानक मुझे याद आया कि कितना खूबसूरत गाया है ये, और जिन्होंने गाया है उन्होंने यही गाना नहीं, मेरे ख्याल से पिछले 40-50 सालों से, मेरे जन्म के कुछ दिनों पहले एक पहला गाना उनका आया था, आपको हमसे बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया, सुपर हिट सॉन्ग। फिर अभिमान, यहीं पे कहीं है मेरे मन का चोर, नजर पड़े तो भैया तू मरोड़, मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, मुझे तुमसे है कितने गिले, तुम कितने दिन मात मिले, बोलो इतने दिन क्या किया, तेरा नाम लिया इलू इलू, अंग्रेजी में वो इलू इलू तो इतना सुपर हिट हुआ। फिर बड़े दिनों के बाद मिली है ये दारू न जाने कितने गाने, और सबसे खूबसूरत जो प्रेमी प्रेमिकाओं के दिल में हमेशा गूंजता रहा, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, इतने खूबसूरत गाने, लेजेंडरी सिंगर, और सबसे बड़ी बात मेरे बेहद करीबी दोस्त और एक बेहद बेहतरीन इंसान, आज के एपिसोड में हमारे खास मेहमान के रूप में मनहर उदास जी, जोरदार तालियों के साथ। मनहर भाई स्वागत है आपका, कैसा महसूस हो रहा है आपको? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ शैलेश जी, आपने सही दोस्ती निभाई और बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि मुझे इस कार्यक्रम में आपने आमंत्रित किया, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट कार्यक्रम है, बहुत नियमित रूप से देखता हूँ। शुक्रिया, तो आपका बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो आज मुझे उम्मीद है कि आपके साथ हमें बहुत आनंद आने वाला है। बिल्कुल, और अभी मैंने बताया था वो लोग जो कविता की टांग तोड़ते हैं, लेकिन हमारे साथ वो लोग हैं जो जोड़ते हैं और कुछ ऐसा रचते हैं, कुछ ऐसा लिखते हैं जिन्हें सुन के सारा देश वाह भाई वाह कह उठता है, और कुछ लोगों को देख के सोफा भी आह भाई आह कह उठता है। ये उत्कर्ष उत्तम है, साहित्य से तो सर्वोत्तम है।
ये बिल्कुल युवा कवि है और हमें बड़ी खुशी है कि सबसे पहली बार टेलीविजन पे उत्कर्ष उत्तम को हम लोग लेके आए और शेमारो टेलीविजन पे पहली बार आके इन्होंने लोगों का दिल चुरा लिया और उस दिल का क्या किया है तो यही बता सकते हैं। हम स्वागत करते हैं उत्कर्ष उत्तम का। और उत्कर्ष उत्तम के इधर जो बैठे हुए हैं ये कवि दिखते भी हैं, ये जो जुल्फे हैं क्या कमाल की है। मैंने इनसे पूछा एक बार जवानी के दिनों में, मैंने कहा भाई विनोद राजयोगी जी कि आपने जुल्फे क्यों रखी। भाई साहब बोले छोटे गांव में रहते हैं, दूसरों की जुल्फों में तो हाथ फिरा नहीं सकते इसलिए। आत्मसमर्थ व्यक्ति हैं, खुद की ही जुल्फों में हाथ फिरा के प्रेम का आनंद ले लेते हैं। ये बड़ा कमाल के हास्य कवि हैं और विनोद राजयोगी और उत्कर्ष उत्तम के बीच में जो बैठी हैं हिंदी कवि सम्मेलन की हमारी बड़ी महनीय कवित्री हैं, जिनका गीत जब आप सुनेंगे, जिनकी कविताएं आप सुनेंगे तो आप खुद क्या उठेंगे। भाई सुफलता त्रिपाठी जी, आपने कमाल कर दिया। हम स्वागत करते हैं सुफलता जी का। तो माइक उठाओ उत्कर्ष उत्तम जरा। जी सर। आजकल डाइटिंग पे हो? जी सर। क्या नहीं खा रहे हो? खाना ही नहीं खाता सर। खाना नहीं खाते? अच्छा, तो जी कैसे रहे हो सर? आपका शो देख के। मेरा शो देख के जी रहे हो? वाह। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऐसे एक सांस में आधा किलो फाफड़ा खाते देखा है और जब इससे पूछा जाएगा तो कहेगा खाना कहाँ खाया, मैं तो फाफड़े खा रहा था। तो भाई उत्कर्ष उत्तम, तुम्हारे फाफड़ों की बात छोड़ते हम फेफड़ों में हंसी भरना चाहते हैं, इसलिए जोरदार तालियों से स्वागत करें उत्कर्ष उत्तम का। आइए उत्कर्ष उत्तम, जोरदार तालियों से। बहुत बहुत आभार सर, आपने पुनः आमंत्रित किया। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ और अपने कार्यपाठ की शुरुआत करता हूँ। हाँ जी। कि एक दिन नेताजी का लड़का यूं बोला, सुनो राजनीति सीखनी मैं शिष्य बनूं आपका। एक दिन नेताजी का लड़का यूं बोला, सुनो राजनीति सीखनी मैं शिष्य बनूं आपका। वो सारे गुण सिखला दो मुझको पिताजी आप, या फिर सिखा दो ज्ञान पुण्य और पाप का। तो बोले पिताजी कि बेटा छत पर चढ़ जाओ और कूद जाओ लेके राम नाम जाप का। तो टूट गई टांग, बोला क्या किए पिताजी आप, बोले पॉलिटिक्स में भरोसा नहीं बाप का। हाय हाय, वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चार पंक्तियां और पढ़ता हूं सर। जब अपने उम्र से बड़ी लड़की से कहीं प्रेम होता तो कैसी स्थिति होती है कि जैसे तैसे हमने उसे प्रेम में लपेटा है। ओहो, जैसे तैसे हमने उसे प्रेम में लपेटा है। वो सामने मिली जब तो भर के बाँ भेटा है। वो बोलते ही उसके टूटे सारे सपने हैं, बोलते ही पर उसके टूटे सारे सपने हैं। जान कहता उसको वो कहती मुझे बेटा है। अब समझ में आया कि खाना क्यों नहीं खा रहे हैं। चार पंक्तियां और पढ़ता हूं। लड़कियां कहती मैं प्रेम में बहुत कुछ करती हूं लड़के पर, लड़के करते क्या है कि तुम क्या जियोगे जिंदगी हम ऐसे जीते हैं, तुम क्या जियोगे जिंदगी हम ऐसे जीते हैं, जख्मों को अपने हाथ से हम खुद ही सीते हैं, जख्मों को अपने हाथ से हम खुद ही सीते हैं। तुम क्या बराबरी करोगे मेरी यार तुम, अब क्या बराबरी करोगे मेरी यार तुम, पेट्रोल 100 का भूख के हम चाय पीते हैं। कुछ इस तरह से मैंने उसे शौक कर दिया, कुछ इस तरह से मैंने उसे शौक कर दिया, यादों की तिजोरी को मैंने लॉक कर दिया, यादों की तिजोरी को मैंने लॉक कर दिया। पहले सुना के मैंने खरी खोटी और फिर, पहले सुना के मैंने खरी खोटी और फिर, नंबर गवज गया जो सुबह ब्लॉक कर दिया। आए, आए।
हाय उत्कर्ष, अचानक मेरा आवाज आई एक लड़की पास वाले से, कहती है कितना क्यूट है ना ये। मनोज भाई कैसा लगा आपको ये? भाई बहुत लाजवाब, बहुत लाजवाब, और वो भी खाना ना खाने के बाद। और भी लाजवाब। एक्सलेंट एक्सलेंट, क्या बात है उत्कर्ष, तुमने कमाल कर दिया। और विनोद राजयोगी जी बैठे हुए कुछ सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं विनोद जी आप? आशिकों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए, अक्ल इनकी नाप कर छह सूत होनी चाहिए, इश्कबाजी के लिए काफी कलेजा ही नहीं, आशिकों की चांद भी मजबूत होनी चाहिए। बिल्कुल, वाह वाह विनोद जी, लेकिन आप वहीं क्यों बैठे हैं साहब? अब वहां बैठ के सुनाएंगे तो मजा नहीं आएगा, तो विनोद राजयोगी जरा यहाँ आइए, जोरदार तालियां विनोद राजयोगी जी के लिए। जहां से आपने शुरू किया था, मैं आपकी उस बात को और बलवती करता हूं। सुने, एक महिला ने द्वारे पे दस्तक लगाई, देकर उल्हाना यूं बोली, भाई सवेरे सड़क पर हुआ ये बखेड़ा है, लड़के तुम्हारे ने मेरी लड़की को छेड़ा है। लड़के तुम्हारे ने मेरी लड़की को छेड़ा है, श्रीमान बोले बड़ा बदतमीज है, सड़क भी कोई छेड़ने की चीज है। बहुत बढ़िया। श्रीमान बोले बड़ा बदतमीज है, सड़क भी कोई छेड़ने की चीज है, अरे उससे तो ज्यादा समझदार आप हैं, अंदर आ जाओ, हम लड़के के बाप हैं। अरे बहुत अच्छे, क्या बाप हैं आप, वाह। आइए चार पंक्ति और आपके सामने रखता हूं मैं, कि बाबा जी के पास में आया, हाँ। एक आदमी रोता रोता बाबा जी के पास में आया, एक आदमी रोता रोता, मेरी पत्नी को समझा दो, वह सोती मैं कपड़े धोता, हाँ। बाबा बोले धूर्त कहीं के, बुद्ध से पैदल रट्टू तोता, और पत्नी को ही समझा लेता तो मैं ही क्यों बाबा होता। और अच्छे, वाह। मेरी बस्ती में एक बाबा जी आए, आदरणीय शैलेश जी, सुना? हाँ। मेरी बस्ती में एक बाबा जी आए, उन्होंने प्रवचन सुनाए, मानव शरीर नश्वर है, इसमें हड्डियां हैं, मांस है, खाल है, घर गृहस्थी जी का जंजाल है, इससे नाता तोड़िए, परमपिता परमेश्वर से संबंध जोड़िए। उन्होंने इतने ऊंचे आध्यात्मवादी विचारों को छुआ कि हमारी बस्ती के रामलाल पर कुछ ज्यादा ही असर हुआ। हाँ। वह सवेरे अपनी पत्नी को लाकर बोला, बाबा जी मैं भी बाबा होना चाहता हूँ, लेकिन अब पत्नी नहीं होने देती, इसे समझाइए, इसे भी प्रवचन सुनाइए। बाबा जी ने इतने प्रवचन सुनाए, इतने प्रवचन सुनाए कि सुबह शाम के अभ्यस्त हो गए, रामलाल तो बाबा नहीं हो पाया, बाबा जी ग्रस्त हो गए। बाबा जी ग्रस्त हो गए। आदरणीय शैलेश जी, हम भी ईश्वर ने कौन सी घड़ी में बनाए हैं कि हमारे साथ आदरणीय बड़े भाई मनहर जी भी आए हैं। देखो आप, ये मैं चार पंक्ति और रखता हूँ साहब आपके सामने। होठों पर मुस्कान बिखेरे, शब्दों में मिश्री सी घोली, ताजमहल की छटा देखकर मेरी पत्नी मुझसे बोली, शाहजहां ने देखो कितनी अच्छी है बिल्डिंग बनवाई, और आपने कहीं भूलकर एक ईंट भी नहीं लगाई। श्रीमती को बड़े प्यार से हमने ऐसे समझाया था, शाहजहां ने बीबी के मरने पर इसको बनवाया था। श्रीमती को बड़े प्यार से हमने ऐसे समझाया था, शाहजहां ने बीबी के मरने पर इसको बनवाया था, हम पर ऐसी कृपा जाने किस जीवन में आप करेंगी। इस जीवन में तो लगता है हमें मार कर आप मरेंगी। बहुत अच्छे विनोद बाबू, वाह। ऐसी कृपा हम पर जाने किस जीवन में आप करेंगी। हाँ। इस जीवन में लगता है हमें मार कर आप मरेंगी, थोड़ा सा भी दर्द उठे तो फौरन आप दवा लेती हो, ताजमहल तो दस बन बाजू मौका ही तुम खा देती हो। हाँ, 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 हाँ।
मदर भाई क्या कहना चाहते हैं आप इनको सुनने के बाद? भाई लाजवाब सर, लाजवाब, बहुत सुंदर, और आपकी जो पेशकश है वो भी कमाल है, जो प्रस्तुति जो अदा है, प्रस्तुति है, कमाल है, बहुत सुंदर, शुक्रिया बहुत बहुत। आपने यहाँ आके हमारी इज्जत जो बढ़ाई है, मेरी इज्जत बढ़ी है, बहुत बहुत शुक्रिया मदर भाई, साहित्यकारों के सामने क्या बात है मदर भाई। अब वो कह रहे थे बाबा जी गृहस्थ हो गए, विनोद राजोगी ऐसा होता है, जैसा एक ऐसा ही बेचारा परेशान पति संडे के दिन डॉक्टर के पास गया, बोले साहब बीवी ने बहुत परेशान कर रखा है, कोई दवाई दे दो ताकि उसकी बोलती बंद हो जाए। बोले बेटा अगर मेरे पास दवाई होती तो मैं संडे को क्या क्लिनिक खोल के बैठता। और आज का हमारा यह खास एपिसोड है क्योंकि हमारे खास मेहमान इतने खास है कि उनके बारे में बात करने के लिए भी कोई खास लफ्ज चाहिए, खास अल्फाज चाहिए। भाई इतने सुपरहिट सॉन्ग्स, इतने गाने, और हर गाना लोगों की जुबान पे। कुछ फिल्में हम देखते हैं जिसमें मनोहर उदास जी ने इतने खूबसूरत गाने गाए, देखते हैं। ओह पूरब और पश्चिम, सौदागर, हीरो, नास्तिक, नाम, अमृत, दाता। मेरे ख्याल से मनोहर भाई आपको भी याद नहीं होगा कितनी सारी फिल्में, इतनी फिल्में। और एक जमाने में जग्गू दादा की आवाज मतलब मनोहर उदास और कोई होते ही नहीं थे मेरे ख्याल। अभिमान, मैं इस फिल्म को करीब 100 बार तो देख चुका हूं, माय मोस्ट फेवरेट। कर्मा, क्या बात है मनोहर भाई, ये तो मेरे ख्याल से जो हमारी क्रिएटिव टीम है उसने कुछ फिल्मों का जुटाया है, कितनी फिल्में होंगी मेरे ख्याल से आपके खाते में? मेरे ख्याल से मोर देन 400 फिल्म्स आई हैव संग। 400, 400 फिल्में और हजारों गाने, और हिंदी में, गुजराती में। मोर देन 3000 सॉन्ग्स इन हिंदी फिल्म्स ओनली। हिंदी फिल्म में 3000 गाने, बाकी भोजपुरी में गाए हैं, ओडिसी में गाए हैं, पंजाबी में गाए हैं, गुजराती में, all the languages almost। तो तमाम भाषाओं के मिला के कुल 5000 गाने आपके खाते में होंगे, क्या बात है मनोहर भाई, वाह। और एक छोटी सी बात आपको ये भी बताना चाहता हूँ, एक फिल्म आई थी नास्तिक, नास्तिक जिसमें अमिताभ जी और हेमा जी, जी जिसका हमने पोस्टर देखा, स्टार थे उसमें, मैंने एक छोटा सा रोल भी किया था। बिल्कुल, अब मुझे याद आ रहा है, यस बिल्कुल, आपने रोल भी किया था जी। जब मैंने सबसे पहले पूर्व और पश्चिमी देखा तो मुझे अचानक आश्चर्य हुआ इसमें कौन सा गाना था, फिर अचानक मुझे याद आया कि पूर्वा सुहानी आयरे में आपकी पंक्तियां थी, वो मुझे अचानक याद आ गया। और वो जो खलनायक का गाना भी बहुत लाजवाब था जी, जो देर से आना जल्दी जाना, हाँ ये साहेब ये ठीक नहीं, बहुत सुंदर गाना, सब गाने आपके गाए हुए तमाम गाने सुपरहिट और बहुत सुंदर। वेरी लकी वी वेर इन द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन म्यूजिक, इंडियन फिल्म, नो डाउट एंड वी आर लकी टू हैव यू टुडे। और यही शायद ऊपर वाले की देन है कि आज भी गाने ये हमारे पास बैठे सारे बच्चों को याद है। जी बिल्कुल, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये सौभाग्य की बात है क्योंकि जमाना बदल गया, अब तो गाने जो है वो चार बोतल वोदका का काम मेरा रोज का हो गए हैं। आज की जनरेशन ये यंग और यंगस्टर्स को ये गाने सब याद है, बहुत बड़ी बात है। क्या बात है मनोहर उदास जी हमारे बीच में, हमारे आज के खास मेहमान। मैं मनोहर भाई मेरे मित्र लगभग पिछले 30 सालों से है, और उनसे जो सबसे बड़ी सीखने की बात है वो ये है कि आदमी इतनी ऊंचाई पर रहकर भी कितना विनम्र हो सकता है। मनोहर भाई आपकी विनम्रता को प्रणाम है। और आइए, जब सुरों का बादशाह हमारे बीच में बैठा है तो हम एक ऐसी कवित्री को आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहते हैं जो वो अपने सुर में सुनाएंगे तो आप कहेंगे भाई वाह, अब तक कहां थी आप, टेलीविजन पे क्यों नहीं आई? सुफलता त्रिपाठी ये भी पहली बार आज टेलीविजन पे आ रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपके दिलों में उतर जाएंगी। जोरदार तालियों के साथ सुफलता त्रिपाठी। आइए, चार पंक्तियों से मैं बात प्रारंभ करती हूँ। हिंदुस्तान की हर बेटी की तरफ से सबसे पहले चार पंक्तियां देती हूँ। कही कबीरा लिए मजीरा, कही कबीरा के देखे रंग हजार, कहे कबीरा लिए मजीरा।
बैठे हैं जिनको सुन सुन के मैं बड़ी हुई हूँ। क्या कहने की कोशिश करती मैं पंक्तियाँ, देखिए जी, जी सुफलता जी, कि पहला प्यार है माँ का आंचल मिलता जिसमें जीवन है, पहला प्यार है माँ का आंचल मिलता जिसमें जीवन है, दूजा प्यार है गोद पिता की खेला जिसमें बचपन है, दूजा प्यार है गोद पिता की खेला जिसमें बचपन है। भाई बहन के प्यार के आगे प्यार के आगे हो, भाई बहन के प्यार के आगे फीका सब संसार, हाय हाय प्यार के देखे रंग हजार, क्या बात है। के देखे रंग हजार। और शैलेश जी, हम लोग कुछ भी हो जाएं, कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन बचपन कभी भी नहीं भूल पाते हैं, तब कहने की कोशिश करती हूँ। एक प्यार होता है सबको अपने भोले बचपन से, एक प्यार होता है सबको अपने भोले बचपन से, नन्नी पायलिया की रुन झुन और हाथों के कंगन से, घुटनों से माटी में चलना घुटनों के बल आगे बढ़ना होता है अधिकार, वाह वाह वाह, प्यार के देखे रंग हजार। घुटनों से माटी में चलना घुटनों के बल आगे बढ़ना होता है अधिकार, प्यार के देखे रंग हजार। कहे कबीरा लिए मंजीरा गाए बीच बाजार, प्यार के देखे रंग हजार। एक प्यार होता है सबको यौवन की दहलीज पर, कोई जोर नहीं चलता तब अपने मन की खीज पर, उस बसंत के प्यार के आगे प्यार के आगे हो, उस बसंत के प्यार के आगे फीके सब त्योहार, प्यार के देखे रंग हजार। कहे कबीरा लिए मंजीरा गाए बीच बाजार, प्यार के देखे रंग हजार, प्यार के देखे रंग हजार, प्यार के देखे रंग हजार। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह क्या बात है, आपने प्यार के हजारों रंग दिखाए। और मैं समझता हूँ मनोहर भाई कुछ कहना चाहेंगे इस पे। भाई लाजवाब, जिंदगी की हर उम्र के जो आपने उसका जो डिस्क्राइब किया कि किस उम्र में किस प्रकार से आदमी को प्यार हो जाता है, बहुत सुंदर तरीके से आपने और लाजवाब निभाया इसको अंत तक, अमेजिंग अमेजिंग, क्या बात है। तो दोस्तों ये है वाह भाई वाह, एक ने जिंदगी के रंग दिखाए, एक युवा लड़के ने बताया कि मोहब्बत किस तरह से नहीं की जानी चाहिए, एक ने अपने जिंदगी का अनुभव बताया और ये बताया कि भाई जब मोहब्बत हो जाए और शादी हो जाए तो फिर क्या हो जाता है, लेकिन कुल मिला के तीनों ने हमारी ज़िंदगी के इस तस्वीर में रंग भर दिए। और यही हमारी कोशिश है, यही हमारा प्रयास है, हमारी ज़िंदगी में जहाँ भी उदासी के रंग हो हम उन्हें खुशी के रंगों से बदल दें, हमारी ज़िंदगी में जहाँ भी गम हो हम वहाँ पर हंसी डाल दें, हमारी ज़िंदगी में जहाँ भी परेशानियाँ हो हम उसमें तबस्सुम भर दें, हमारी ज़िंदगी में जहाँ भी कठिनाई हो हम उसे सरलता में ढाल दें, हमारी ज़िंदगी में जहाँ कहीं रास्ता नहीं मिल रहा हो हम उसे कविता का रास्ता दिखा दें, हमारी ज़िंदगी में जहाँ कहीं रोशनी नहीं हो हम उस पर गजल की रोशनी डाल दें। और इसी रोशनी के बीच में आज हमारे खास मेहमान मनोहर उदास हमारे बीच में हैं और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। मनोहर भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस सुफलता जी ने जो पेश किया उसके सामने एक मैं छोटा सा चार लाइनें मुझे याद, अरे जरूर आपके सामने गुस्ताखी आप, अरे नहीं नहीं जी, जिंदगी रंग दे जाती है जब दिल दिल से मिलता है, जिंदगी रंग दे जाती है जब दिल दिल से मिलता है, लेकिन बड़ी मुश्किल तो ये है कि दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। आए हाय वाह वाह।
लेकिन सारे देश का दिल हमसे मिला हुआ है और आज आप हमारा दिल लेके जा रहे हैं। आप तीनों ने कमाल कर दिया और जिंदगी में आदमी को ये जरूर करना चाहिए किसी न किसी की मदद करता रहे। तब मुझे जाते जाते एक शायर के दो शेर याद आते हैं, वो कहते हैं कि यूं तो हर आंख बहुत रोती है, हर बूंद मगर अश्क नहीं होती है। यूं तो हर आंख बहुत रोती है, हर बूंद मगर अश्क नहीं होती, और देख कर रो दे जो जमाने का गम, उस आंख से आंसू गिरे वो मोती है। वाह भाई वाह।